हमारे पास आईफोन 8 प्लस आया है जो उसके अंदर नो स्विचिंग फ़ोन है। ये हार्डली वाटर डैमेज है। पहले हम डीसी पावर सप्लाई में चेक कर लेते हैं तो क्या बनता है स्थिति। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट करता हूँ डीसी पावर सप्लाई में और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डीसी पावर सप्लाई में मैंने कनेक्ट किया, आप देख सकते हो। मैं स्विचिंग ऑन फोन है, अभी मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अब इससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ, आप देखो। ये देखो ऐसे करके वापस आ रहा है। ये देखो 119, 120, 140 ऐसे करके फोन बंद हो जाता है, आप देख सकते हो। ये देखो 200 तक ऐसा करके फ़ोन फिर से बंद हो जाता है। देखो ये हार्डली वाटर डैमेज है। तो चले हम देख लेते हैं। और देखो कई बार ये एम्पियर ले भी लेता है, 300 के ऊपर भी बूटिंग करने की कोशिश भी करता है, आप देख सकते हो। ये देखो ये फिर से बंद हो जाता है, आप देख सकते हो। ये देखो अभी तो ले ही नहीं रहा है। देखो तो कहीं ना कहीं ये हार्डली वाटर डैमेज है। तो चलो हम देख लेते हैं कहाँ से और उसको हम शॉर्ट आउट करते हैं। उसको आईसी रिवॉल्व करेंगे, जहाँ पे भी शॉर्टिंग है शॉर्टिंग को निकाल देंगे और ये फ़ोन को चालू करेंगे। आप देख सकते हो ये वाटर डैमेज, हार्डली वाटर डैमेज है। या देखो ये 1, 2, 3, 4 आईसी के अंदर पे भी ये वाटर गया हुआ है, आप देख पाते हो। देखो ये रहा, देखो ये पूरा वाटर मार्क है। या इधर भी वाटर है इस आईसी में भी और ये इस आईसी में भी। ये पूरा हमें साफ करना है, आईसी को भी रिपोर्ट करके फिर देखते हैं कि ये फोन चालू होता है कि नहीं।